हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब, में एकदम बढ़िया और प्यारी सी सुबह हो चुकी है और मैं निकल पड़ी हूँ अपने काम पे। आप लोग भी सोच रहे हैं रोज़ इसके वहाँ काम 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 और कुछ है नहीं। जब तक मैं घर में हूँ ना तब तक ये योगा, उठो काम करो, गांव में तो यही रहता है, मतलब काम 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 काम। जब मैं कुल्लू जाऊँगी तब जाऊँगी मैं घूमने, वहाँ पे भी होगा मेरे को काम। चलो कोई बात नहीं, पता है आपको आ जाए मेरे भाई घर तो मैं मिलूँगी उनसे, मतलब काफ़ी टाइम बाद। तो थोड़ी देर बाद जाना मैंने नीचे उनके वहाँ, और लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। जब तक हम लड़ाई ना करें तो मज़ा नहीं आता भाई के साथ, बहुत मज़ा आता फांडे मारने का। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद भाई के साथ, वहाँ पे आए साथ में। तो फिर प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों मैंने पकड़ने थे ये, थोड़ी देर बाद जाऊँगी मैं ऊपर तब पकड़ूँगी मैं इनको। मुझे लगता है इतने प्यारे, क्या ही बोलूँ मैं, बस ये मेरे साथ हो ना। यहाँ पे जैसे आ गए छोटे छोटे बच्चे, मैं जा रही हूँ उनको पकड़ने, अब दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। चले गए वो अब ऊपर को। इस पेड़ पे जो फूल दिख रहे हैं ना आपको, जब हम छोटे छोटे थे तो मतलब मैं और मेरी सिस्टर आते थे यहाँ पे, तो वो रखती थी मुझे इस पेड़ के नीचे। वो बोलती थी तो नीचे बैठी रहे, मैं तेरे ऊपर फूल फेंकूँगी, और वो ऊपर से मतलब डंडा मारा करती थी और ऊपर से गिरते थे इतने सारे फूल। और ज़्यादातर आते थे हम यहीं पर खेलने, आजकल के दिनों में बड़ा मज़ा आता था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हम आए हैं यहाँ पे काम करने, देखो हम अभी ये काम कर रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक बारी सारा ये तक क्या बता रहे हैं, बैटरी लो हो गई है। हम आए यहाँ पे डंगरे चराने मेरा देश का भाई मैं चल ठीक है अब जा रही हूँ मैं। इन्होंने क्या मेरे को मोटा ही तंग, और ये बैठे काम करने ऐसे। तो जब मैं आई ना यहाँ से बोलती बेबी ऐसा काम कर, बेबी ऐसा काम कर, तो मेरी बेबी नहीं है बोला तो ताई की वहाँ से सुनी हमने बहुत ही ज़्यादा गाली, और मैं चल रही अब बहुत ही टाइम वेस्ट किया हम दोनों ने यहाँ पे मोटे ज़्यादा, ना इनका काम हो ना मेरा हुआ। ये उस दिन जिस दिन मतलब ऊपर से गिरा था ना, ये घर नहीं आ पा रहा है, मतलब ये नहीं खेत से ऊपर चढ़ ही पा रहा है, और ये रहता है रात को खेत में ही। आज ले जाऊंगी मैं इसको घर, करूंगी कोशिश मैं अगर चढ़ पाया तो, अकेला ही रहता है रात को। तो दिन के बच चुके दो, मैं चले गई थी घर, और घर गई मैं, खाना खुना खाया और बर्तन थे धोने को धोए हमने, और मतलब ताई के साथ बड़ी कोशिश की उसको पहले घर ले जाने की उस बैल को, लेकिन वो उससे मतलब चढ़ा ही नहीं जा रहा था रास्ते से, मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं वो चढ़ ही पा रहा है। फिर हमने छोड़ दिया उसको इधर ही, और मम्मी ने बोला था अगर वो घर नहीं आता तो दिन को उसको पानी ले जाई, और आप देख सकते पीछे मैंने पानी लाया उसको भर के। लेकिन जब मैं इधर पहुंची उसको देखा मैंने, ढूंढा, वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं शायद हो सकता है वो नीचे गया खुद ही पानी पीने। अब जाऊँगी उसे देखने उसने पानी पिया या नहीं, या तो मेरी मेहनत सारी वेस्ट, मैंने इतनी दूर से लाया पानी उठा के, अति होगी मेरी यहाँ पे उठा उठा के। पहले मैं उसे ढूंढ लूँ, उसके बाद मिलती मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया मेरे को वो बैठा है ऐसी जगह जाके, यहाँ पे देखो कांटे ही कांटे, और मतलब मैं अब इसको पानी कैसे पिलाऊँ, ना ही उठ ही रहा है यहाँ से। ओ भगवान, ले जाती मैं पहले थोड़ा जैसा पानी, इधर से घुसना पड़ेगा मेरे को, ठीक है मैं पहले इसको पानी पिला दूँ।
बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी उसको, पिछले कल भी नहीं पिया बोला, इसने पानी लाया तो था इसके लिए। तो मैं आ गई हूँ बैल को पानी पुनी पिला के। अब मैंने यहाँ से ले जाने अरबी के पत्ते सब्जी के लिए घर, थोड़ी देर बाद जाऊँगी मैं घर और उसके बाद सब्जी सब्जी काटनी, फिर जाना है मैंने घास को और फिर घर आके खाना खुना बनाना है, फिर शाम भी हो जाएगी। और मम्मी पापा तो चले गए काम को और वो आएंगे सीधे ही अब शाम को घर। मतलब यहाँ पे जो जगह है ना, जब स्कूल टाइम था हमारा तब रोज़ जब भी छुट्टी होगी हमने इधर आना और बैठना ही है, भले ही कितनी ही देरी हो पर बैठना हमने ज़रूर है यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके फांडे मारनी, मेरी फ्रेंड है पूजा, उसके साथ बैठ के रोज़ ही बैठते हम इधर आके। मतलब यहाँ पे सुकून ही कुछ अलग सा है। और यहाँ पे आई मैं काफ़ी टाइम बाद और यहाँ पे बैठूँगी 5-10 मिनट और उसके बाद चले जाना मैंने घर। तो हाँ, मैंने बतानी थी आपको एक बात, हमारे इधर जो मतलब छोटी बहन होती है ना उसको बोलते हैं बेबी, और मैंने वीडियो में बोला भी है कि भाई कह रहे थे बेबी ऐसा काम कर ऐसा काम कर। और जब मैं नई नई कुल्लू गई ना तो वहाँ पे पता क्या हुआ, एक छोटी जैसी बच्ची आई ना वो बोलती दीदी दीदी बोला मेरे हुआ बोला भाऊ। तो कुछ देर बाद आई उसकी मम्मी मतलब उस भाऊ को ऊपर लेके, तो मैं बोलती हूँ इसका नाम क्या उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी बोलती है उसका नाम है बोला लक्षिता बोला। और मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला, थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही बैठी चुपचाप, मैं सोच रही हूँ यार इसने तो बोला ये भाऊ है और ये लड़की का नाम बता रही है। तो कुछ देर बाद मैंने बोल ही दिया कि लड़के लड़की, इसने तो बोला बोला भाऊ है। तो वो दीदी हंस रहे हो कह रहे बोला हमारी इधर कुल्लू में बोला लड़का हो या लड़की हो बोला भाऊ ही बोलते हैं बोला उसको। तो हमारी इधर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जो छोटी होगी उसे बोलते हैं बेबी और जो लड़का होगा उसे बोलते हैं भाऊ। तो ऐसे ऐसे करके और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, फिर यार मैं भी क्या सोचने बैठ गई, चलो कोई बात नहीं होता है। और फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग होगा इतना ही और अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए करना है आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना है सब्सक्राइब।